दुकानदार के गोदाम पर नगर निगम का छापा। पकड़ा गया अवैध पॉलिथीन का भंडार। कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार में नगर निगम की टीम ने छापा मारकर भारी मात्रा में प्रतिबंधित डिस्पोजल बरामद किया। इस दौरान दुकानदार और उसके समर्थकों ने नगर निगम टीम का विरोध किया, जिसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और माल को कुशलतापूर्वक कब्जे में लेकर नगर निगम भेज दिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़े बाजार में लंबे समय से प्रतिबंधित पॉलिथीन का व्यापार फल फूल रहा था। इस बात की जानकारी मिलने पर नगर निगम अमला शुक्रवार की दोपहर बड़ा बाजार पहुंचा। यहां जानकारी मिली कि सौरभ सहगल की दुकान पर भारी मात्रा में डिस्पोजल रखा हुआ है, जिसमें ग्लास, प्लेट, प्लास्टिक के कप और पॉलिथीन शामिल हैं। इन सारी बातों के मद्देनजर अपर नगर आयुक्त अरुण गुप्ता, मुख्य कर निर्धारण रोहन सिंह, संपत्ति अधिकारी पुष्पराज गौतम समेत कई अधिकारी व नगर निगम कर्मचारी दुकान पर पहुंचे। नगर निगम कर्मचारियों ने दुकान से कई डिब्बे सील पैक व खुले हुए बरामद किए, जिसमें पॉलिथीन व डिस्पोजल सामान बरामद किया गया। इस सामान को नगर निगम के ट्रैक्टर में रखकर निगम लाया जा रहा था, जिसका दुकानदारों व उनके समर्थकों ने विरोध किया। इस बात की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस के कई जवान मौके पर पहुंचे और सामान को अपने कब्जे में लेकर नगर निगम भेज दिया। अपर नगर आयुक्त अरुण गुप्ता ने बताया कि सर्च अभियान लगातार चल रहा है, इसमें सूचना के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। पकड़े गए माल की कीमत का अंदाजा नगर निगम में पहुंचने के बाद ही लगाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रयास कर रहे हैं और नगर निगम के द्वारा 5 प्रवर्तन टीमें बनाई गई, जो प्रतिदिन छापा मारती है और प्रतिदिन पॉलिथीन के लिए विगत 2-3 दिन से मुझे सूचना मिल रही थी कि किसी मकान के गोडाउन में और उसके 5-4 सेकेंड पॉलिथीन फरमाइन करके रखी। उसी सूचना पर आज ये छापामारी की कार्रवाई की गई है और लगभग 2 ट्रैक्टर जो है पॉलिथीन और थर्माकोल और डिस्पोजल जो है वो यहाँ से जब्त करके निगम भेजी गई है। बाकी की अभी सर्च कार्रवाई चल रही है। कितना माल है अब ये इसका आकलन हम निगम में पहुँच के ही इसका आकलन कर पाएंगे कि कितने का माल है और कितने क्विंटल। मिलन परिहार की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे, झांसी।